नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेड नहीं मिलने से जिले में कोविड मरीजों की हो रही है मौत। डिस्चार्ज से ज्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ी, 30 लाख की हुई चोरी। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। बेड नहीं मिलने से जिले में कोविड मरीजों की हो रही मौत। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ ही गंभीर लक्षण वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस कारण सरकारी व निजी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप मरीजों के बेड के लिए भटकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ मरीजों के बेड नहीं मिलने के कारण मौत हुई है। हर दिन औसत 56 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को जिले में 62 लोगों की जान गई है। अब तक मरने वालों की संख्या 5327 हो गई है। तो वही दूसरी ओर डिस्चार्ज से ज्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ी। रविवार को दिन भर में 3299 मरीज डिस्चार्ज हुए। इस तरह कुल 194908 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। शहर में 29115 और ग्रामीण में 12256 मिलाकर संक्रमितों की संख्या 41371 हो चुकी है। इनमें से 23.15% यानी 9597 मरीज सरकारी व निजी अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। 97.95% यानी 41793 होम आइसोलेट है। तो वही तीसरी ओर 30 लाख की हुई चोरी। वर्धमना गांव में एक एटीएम काट कर चोर करीब 30 लाख रुपए चुरा ले गए। घटना रविवार को उजागर हुई। एटीएम सेंटर पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, जिसमें चोरों ने घटना आसानी से अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार अमरावती राजमार्ग पर वर्धमना गांव में HDFC बैंक का एटीएम है। शनिवार को मध्यरात्रि अज्ञात चोर एटीएम का शटर तोड़कर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरा व बिजली सप्लाई बंद कर एटीएम को कटर मशीन से काट कर उसमें से करीब 30 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। एटीएम सेंटर पर कोई चौकीदार नहीं था। चोरी करने के बाद चोरों ने शटर को बंद कर दिया, जिससे रविवार को एटीएम का शटर दिन भर बंद रहा। जब एटीएम के कर्मचारी आए तो चोरी का खुलासा हुआ। उसके बाद घटना की जानकारी वाड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही DCP नूरुल हसन, ACP कार्यकर, PI प्रदीप सूर्यवंशी के साथ DB के अहमद शेख, सुनील मस्के दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई वाड़ी पुलिस कर रही है। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।